हेलो नमस्ते सलाम दुआ वणक्कम प्रणाम सत श्री अकाल केम छु सारू छे। मैं शशांक आपका अपने चैनल टिप ट्यूशन में बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आज मैं आपको एक सिद्ध पीठ के दर्शन कराने जा रहा हूं जो 52 शक्ति पीठ में से एक है। हमारे देश में इस समय 51 शक्ति पीठ है और एक शक्ति पीठ पाकिस्तान में चला गया है, तो उन्हीं 52 शक्ति पीठ में से एक है माँ कुंजापुरी देवी। कुंजापुरी देवी ऋषिकेश में है जो कि ऋषिकेश से लगभग 24 किलोमीटर की दूरी पर है, और जब भी आप आए ऋषिकेश या हरिद्वार आए तो सिद्धपीठ कुंजापुरी के दर्शन जरूर करें। ये ऋषिकेश से गंगोत्री उत्तरकाशी रोड पर स्थित है। और इस कुंजापुरी देवी में कैसे आपको जाना है और कुंजापुरी देवी की क्या विशेषता है वो सब कुछ आपको इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए शुरू से लेकर लास्ट तक हमारे वीडियो को जरूर देखिए। यह ऋषिकेश का नटराज चौराहा है। यहाँ से एक रास्ता देहरादून, एक ऋषिकेश और एक हरिद्वार चला जाता है और एक रास्ता उत्तरकाशी। यहाँ से उत्तरकाशी जाते हुए बहुत ही सुहाना रास्ता है, वो सब आपको दिखाएंगे। हम ऋषिकेश से निकले थे और ये सुहाना सफर और मौसम और बादल ये नजारे देखने के लिए आए थे हम। तो कुंजापुरी एक ऐसी जगह है जहाँ पर आप एक सिद्धपीठ के दर्शन भी कर सकते हैं और साथ ही साथ आप वहाँ पर इस मौसम का और प्रकृति का इतना सुंदर नज़ारा भी देख सकते हैं, जो वाकई में ही एक अलौकिक नज़ारा है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये सब बादल रोड पर आए हुए हैं और यात्री टूरिस्ट सब फोटो खींचने में लगे हुए हैं। हम इस तरह से आप कुंजापुरी जा रहे हैं। आज हम कुंजापुरी का जो वीडियो आपको दिखाएंगे ये एक सिद्धपीठ भी है और साथ ही में आप यहाँ से प्रकृति के सुंदर नज़ारे भी देख सकते हैं। ये सुंदर झरने और अभी आपने रास्ते में देखे बादल किस तरह से रोड पर छाए हुए हैं, और रोड पर आगे बढ़ते ही जो ऋषिकेश का व्यू दिखाई देता है वो वाकई में बहुत ही रमणीय है। बहुत ही गंगा का सुंदर व्यू, अच्छा व्यू और लक्ष्मण झूले का व्यू। हम इतनी ऊंची हाइट पर आ जाते हैं कि ऋषिकेश बहुत ही छोटा छोटा दिखाई देता है, और आगे चढ़ेंगे पहाड़ी पर तो हमें नरेंद्र नगर की वैली दिखाई देती है जो बहुत ही सुंदर एक गाँव है पहाड़ पर। और थोड़ा आगे चलने के बाद हमें रास्ता अलग हो जाएगा कुंजापुरी जाने के लिए, और रास्ता बहुत ही पतला है, संकरा है। जो गाड़ी पहाड़ में चला सकते हैं वो ही आए, अन्यथा ड्राइवर लेके आए। गाड़ी 20 की स्पीड से बिल्कुल ज्यादा ना चलाएं। वैसे रास्ता बहुत ही सुंदर है और इस तरह से हम पहुंच जाते हैं कुंजापुरी सिद्धपीठ। अब यहाँ पर गाड़ी पार्क करने के बाद हमें यहाँ से प्रसाद लेना है, या फिर आप चाय नाश्ता मैगी कुछ भी खा सकते हैं। और प्रसाद लेने के बाद यहाँ से हमें सीढ़ी 312 सीढ़ियां हैं जो हमें ऊपर चढ़कर पहुंचना है मंदिर के अंदर, कुंजापुरी देवी के अंदर। पहले प्रसाद ले लेंगे। प्रसाद में नारियल है और भी धूप है, दीप है, बहुत सारे सामान है। वो सब लेने के बाद अब ये 312 सीढ़ियां हैं, यहाँ से आपको चढ़ना है। सभी श्रद्धालु चढ़ के जाते हैं और बीच में रेस्ट करने के लिए भी बना हुआ है, बीच बीच में थोड़ी थोड़ी जगह पर। ये रास्ते में ही बीच में मैगी पॉइंट भी है, आप यहाँ सस्ता सकते हैं, मैगी खा सकते हैं। और फिर बची हुई लगभग 100 सीढ़ियाँ और हैं, वो चढ़कर आप मंदिर में पहुंच सकते हैं। मंदिर प्रांगण बहुत बड़ा है, चलिए पहले मंदिर प्रांगण देख लेते हैं। मंदिर के अंदर की वीडियो नहीं बना सकते इसलिए बाहर से ही सब कुछ आपको दिखाऊंगा। मंदिर के अंदर दो छोटे मंदिर और भी हैं जो शिव शंकर के हैं, पार्वती जी का है, और एक मंदिर और छोटा है। मंदिर के पीछे बहुत ही सुंदर व्यू दिखाई देता है। व्यू देखने के लिए प्लेटफार्म बना है जहां से आप अच्छे बादलों के नजारे देख सकते हैं, और कुछ लोग सुबह सनराइज व्यू के टाइम आकर सनराइज का व्यू रिकॉर्ड करते हैं। और मंदिर प्रांगण में एक पेड़ है जिसमें चुनरी बांधकर मन्नत मांगी जाती है, और बहुत श्रद्धालुओं की मन्नत यहाँ से पूरी हुई है। आप भी आइए और माता से जो मांगना चाहते हैं मांग सकते हैं। मंदिर में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें, डस्टबिन भी है। और इस तरह से हम वापस चलते हैं और वापस पहुंचेंगे पार्किंग में, और पार्किंग से फिर हम वापस ऋषिकेश के लिए रवाना हो जाएंगे। तो आशा करता हूं कि आपको कुंजापुरी देवी सिद्धपीठ के दर्शन करके अच्छा लगा होगा, और आप जब भी आए तो कुंजापुरी जरूर आए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को प्लीज लाइक जरूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह के कुछ धार्मिक और कुछ
सांस्कृतिक स्थानों को घूमने के लिए और हम आपको घुमाते रहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से। आप भी सैर करते रहिए। धन्यवाद।